क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस तीन चीज से हो सकता है? डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड थर्ड इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द टेम्परेचर, कितना एनर्जी है पार्टिकल्स में। ये तीन चीज को दिमाग में रखते हुए अभी हम लोग देखेंगे कि तीन बेसिकली टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ मैटर होते हैं। क्या होते हैं आपको पता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं यहां से, यहां पे सॉलिड क्या होता है वो देखेंगे, यहां देखेंगे लिक्विड, और यहां देखेंगे गैस। जनरल आइडिया आपको पता है, क्या पता है कि सॉलिड क्या होता है? आपको जनरल आइडिया है कि सॉलिड कुछ इस तरह का होता है जो कि जिसका बहुत ही सख्त होता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, अपने जगह से हिलता नहीं है, जैसा अगर कहीं पर रख दें तो वैसा ही रहेगा। लिक्विड होता है कि पानी के जैसा होता है। क्या करते हैं कि जहाँ पे भी उस लिक्विड को जहाँ डाल देंगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगा, है ना। वो फिर फ्लो करता है, वो थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा कम सख्त होता है, थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है ना। गैस, गैस कुछ ऐसा होता है कि वो फ्लो कर सकता है, बहुत ही कम डेंस होता है, काफ़ी कंप्रेसिबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो कर सकता है। तो इस तरह का एक जनरल आइडिया है। तो अगर हम लोग सोचें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीन चीज़ है, इसको अगर हम विजुलाइज करने का कोशिश करें, तो अगर हम देखेंगे कि हर चीज़ तो पार्टिकल से ही बना है ना, मैटर पार्टिकल से बना है। तो अगर हम लोग के पास ऐसा कुछ शक्ति होता कि हम लोग एकदम पार्टिकल लेवल पे देख पाते, जो कि हम लोग नहीं देख सकते, अगर होता उस तरह का, अगर हम लोग के पास आँख होता तो कैसा दिखता? कुछ इस तरह का दिखता कि अगर ये मान लीजिए इस तरह का है, तो पार्टिकल्स बहुत ही पास पास दिखते हैं आपको। इनके बीच में ना स्पेस बिल्कुल ही नहीं होता। द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, है ना, द वेरी कॉम्पैक्ट। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज वेरी वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी हाई, है ना। सो स्पेस लेस और लीस्ट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। लिक्विड्स के केस में क्या है कि पार्टिकल्स हैं पास पास में, बट जितना सॉलिड्स पास पास में थे ना उतना पास पास नहीं है, है पास पास में। तो स्पेस थोड़ा ज्यादा, मोर देन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड। ठीक है, गैस एकदम उल्टा, बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में। तो स्पेस मैक्सिमम, कौन सा स्पेस? इंटर पार्टिकुलर, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट। स्पेस मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। बीच में है लिक्विड का प्रॉपर्टी, सॉलिड और गैस के बीच में है। ठीक है, तो ये हुआ, स्पेस हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तब एनर्जी बताइए, एनर्जी का क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में है? गैस में है, बिकॉज तभी तो स्पेस बढ़ गया ना, ये कहीं भी जा रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। तो मैक्सिमम एनर्जी यहां पे, लीस्ट एनर्जी
इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर। सेम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे एनर्जी बढ़ जाएगा तो सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, बिकॉज एनर्जी बढ़ा यहाँ आया और एनर्जी बढ़ा इधर आ गया। ठीक, तो ये हुआ एनर्जी। ये तीनों मामला की वजह से ही तो हम सॉलिड लिक्विड या गैस कर सकते हैं ना। अब देखते हैं कि इस तीनों के वजह से हम, ये तो समझ में आ गया कि सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या क्या हो रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, बिकॉज स्पेस लीस्ट है तो वेरी क्लोजली पैक्ड होगा ना। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होगा? हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होगा ना। डेंसिटी तो आपको पता है ना, मास बाय वॉल्यूम, कितना डेंस है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन, डेंस से कंडेंस आता है, डेंस कर देंगे ज्यादा, कंडेंस कर देंगे तो डेंस हो गया ज्यादा, वो देखेंगे आगे। तो क्लोजली पैक्ड हाई डेंसिटी है, लेस कंप्रेसिबल हुआ ना। डेंसिटी हाई है तो लेस कंप्रेसिबल है ना। अच्छा, इतना ज्यादा एनर्जी होता है, सॉरी इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि इस वजह से ये कांस्टेंट शेप भी रखता है अपना और वॉल्यूम भी रखता है। इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसी एक दूसरे पार्टिकल को हिलने ही नहीं देगा। तो अगर हिलने ही नहीं देगा तो शेप तो चेंज नहीं हो पाएगा ना। शेप तो तभी चेंज होगा ना जब हम थोड़ा हिलने देंगे चीजों को। जैसे यहां है तो हम यहां पे थोड़ा उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। इसीलिए लिक्विड्स क्या होगा, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड, दे आर लेस डेंसिटी देन द सॉलिड्स, इसीलिए अ लिटिल बिट मोर कंप्रेसिबल। यहां तो एकदम लीस्ट कंप्रेसिबल है ना, एकदम कंप्रेसिव नहीं होता है। लेस लिखे हैं बिकॉज अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिए तो कहीं ना कहीं किसी कोई कोई सॉलिड कंप्रेस कर जाता है। यहां पे लिक्विड का इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है ना, दिस कैन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो रहता है बट कैन चेंज शेप। और शेप क्या ले लेता है? ऑफ द कंटेनर, कंटेनर शेप ले लेता है। ठीक, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं है, बीच में है। बहुत ज्यादा होता तो शेप भी नहीं चेंज करने देता, यहां पे शेप चेंज करने दे रहा बट बोल रहा वॉल्यूम नहीं चेंज करने देंगे। ठीक है, अब गैस में क्या होगा, इतना ही लेस है ना और इतना ही ज्यादा स्पेस है कि अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन शेप जो चेंज आ रहा है ना, थोड़ा सा जो उस पर स्पेस है ना, वो स्पेस की वजह से थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पेस एडजस्टमेंट के कारण ही शेप एडजस्टमेंट होता है, और फोर्स उतना भी कम नहीं है इसीलिए वॉल्यूम चेंज नहीं करने दे रहा है। सो बोथ स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्लेइंग अ रोल इन डिटरमिनिंग द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ लिक्विड्स। नाउ द स्पेस इज मैक्सिमम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, इस दोनों के वजह से दिस कैन चेंज शेप। वो तो बिल्कुल करेगा, लेकिन व्हाट कैन हैपन, दिस कैन ऑल्सो चेंज द वॉल्यूम। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज मेरे को लगता था यार, वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकता है। वॉल्यूम इसीलिए चेंज हो सकता है, देख सोचिए ऐसा कि इतना एनर्जी है ना इस पार्टिकल में, ये एनर्जी नहीं है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, यहां पर उतना ज्यादा एनर्जी नहीं है, बट इसमें इतना ज्यादा एनर्जी है ना कि अगर हम अभी ये वाला बक्सा हटा के अगर हम ये बड़ा बक्सा में इस गैस को घुसा दें ना, मान लीजिए कि ये वाला बक्सा हम हटा देते हैं और इसको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं सेम गैस को, तो इसमें इतना एनर्जी है
कि ये गैस यहाँ तक चला जाएगा, ये गैस यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ तक चला जाएगा। तो पहले जो आपका छोटा कंटेनर में था, अब हम बड़े कंटेनर में दे दिए, तो क्या हो गया, ये तीनों पार्टिकल मिलके बड़े कंटेनर को भी पूरा पूरा, कभी यहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है, तो कितना स्पेस ले रहा, सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। लिक्विड ऐसा नहीं कर पाएगा, लिक्विड में उतना एनर्जी है ही नहीं कि वो सामने तक जाए, लेकिन गैस में तो एनर्जी है, आप उसको छोड़ के देखिए, तो उसको जाने तो दीजिए, तो चला जाएगा वहां तक, इसीलिए वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों? बिकॉज इसमें इतना ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी के कारण, इस एनर्जी के कारण ना, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर तो है ही, एंड इट ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम। व्हाई? बिकॉज इट हैज सो मच एनर्जी, दे डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी दैट विल अलाउ देम टू टेक द वॉल्यूम ऑफ द, टेक द एंटायर वॉल्यूम। दे हैव लेस energy than gases. So gases have so much energy that they can take up the entire volume, and there is so much space between them that they can take any shape. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? So ये समझिए कि solids are very dense, these are less dense. There is so much energy in here that solids तो ना shape change करेगा ना volume change करेगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मच, स्पेस भी नहीं है, एडजस्ट करने का है ही नहीं जगह। यहाँ पे देर इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा विगल रूम है एडजस्ट करने का, तो देयर फोर बिकॉज ऑफ दिस दे कैन चेंज द शेप, बट वॉल्यूम चेंज नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है। यहाँ क्या है, बहुत स्पेस है और बहुत एनर्जी है, तो बहुत स्पेस होने की वजह से कोई भी शेप ले लेगा, और बहुत एनर्जी होने की वजह से कितना भी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। फिर यहां ये फ्लो नहीं कर सकता, दिस इज नॉट फ्लूइड, बट दीज टू आर फ्लूइड्स, दे कैन फ्लो, दिस इज अ फ्लूइड, दिस कैन फ्लो, दिस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, दिस कैन ऑल्सो फ्लो। ठीक है, दीज टू कैन फ्लो, दैट कैन नॉट फ्लो, दीज टू आर नॉन कंप्रेसिबल, दिस इज कंप्रेसिबल, यू कैन कंप्रेस अ गैस, गैस कंप्रेस्ड कर सकते हैं, इसलिए सीएनजी सोचिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तभी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप कंप्रेस्ड वाटर सुने हैं कभी? नहीं। कंप्रेस्ड कोक? नहीं। कंप्रेस्ड पेप्सी? नहीं। कंप्रेस्ड मिल्क? नहीं सुने, क्योंकि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, सिलेंडर्स में गैस कंप्रेस करके ही तो हम रखते हैं उसमें, ताकि जब उसको खोलें तो वो गैस निकले, है ना, तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल है। तो ये अनदर प्रॉपर्टी हुआ गैस का। ठीक है, गैसेस डिफ्यूज कर सकता है, डिफ्यूज हम लोग पहले देखे थे, डिफ्यूज हम लोग पहले सॉलिड KMnO4 वाला एग्जांपल भी देखे थे, पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पे अगर मान लीजिए परफ्यूम है ना, परफ्यूम का अगर बॉटल आप कहीं पे ऐसे फिस मारे, तो वो पूरा में धीरे धीरे फैल जाएगा, तो डिफ्यूज कर पा रहा है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए उसको कहीं जाने के लिए, वो अपने एनर्जी के कारण वो इधर उधर जा सकता है। इसमें भी एनर्जी है, कर सकता है, लेकिन इतना कम एनर्जी है ना कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए, सो दीज थिंग्स आर डिफ्यूजिंग मच फास्टर देन दिस, दिस विल ऑल्सो given enough time anything will show diffusion, but normally jo dekha jata hai na, these things are much more faster to diffuse. Why? Because of the energy, hai na. Now you understand ki energy zyada hone ki wajah se hi to ye diffuse kar raha hai. Fluid kyun ho raha hai? Because of force of attraction kam hai. Fluid kyun hai? Because force of attraction kam hai. Compressible kyun hai? Because space zyada hai. तो यही तीन चीजों के कारण ये सब सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी और एनर्जी। ये तीन चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, सो दीज आर द जनरल आइडियाज दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ देयर आर सर्टेन
एग्जाम्पल्स दैट माइट नॉट एग्जैक्टली फिट इन, लगता है कि एग्जैक्टली फिटिंग नहीं करेगा. जैसे कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होंगी ना सॉलिड्स में जो कि शेप अपना शिफ्ट कर देंगी, जैसे कि रबड़ बैंड. रबड़ बैंड है तो सॉलिड, लेकिन उसको अब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो स्ट्रेच कर जाएगा, खुद से नहीं करेगा, है ना, खुद से नहीं शेप शिफ्ट करेगा. जैसे फोर्स हट जाएगा वो दोबारा अपना नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट्स अ टाइप ऑफ सॉलिड, बट एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में वो शेप अपना बदल सकता है, ठीक है. दैट्स हाउ इट इज, बट अ रबर बैंड इज अ सॉलिड, ठीक. और सोचिए स्पंज, फोम टाइप का, वो इतना मतलब इतना कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि पूरा सॉलिड नहीं है, उसके बीच बीच में एयर पॉकेट्स हैं, बीच बीच में जो छेद है या स्फेयर्स है, देखिएगा छेद छेद टाइप का रहता है. तो क्या वहाँ पे एयर है, तो आप जब कंप्रेस कर रहे हैं ना, वो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, वो एयर को कंप्रेस कर रहे हैं. एक्चुअल मटेरियल जिस चीज़ का फोम बना है ना, उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि फोम तो कंप्रेस हो गया, सॉलिड कैसे हुआ. लाइक एक्चुअली में फोम दो चीज़ का बना हुआ है, सॉलिड और गैस दोनों का. वील स्टडी ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट प्योर सॉलिड एंड दैट इज़ वाई यू आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक. फिर देखिए, फिर बोल रहे कि शेप. अब मान लीजिए आपके पास नमक, चीनी ये सब या चावल या इस तरह का जब चीज़ है, जब हम उसको किसी भी कंटेनर में रख दें तो उस कंटेनर का शेप ले ले रहा है. जैसे पानी, अब पानी को ग्लास में रखे तो ग्लास का शेप ले रहा है, बोतल में रखे तो बोतल का ले रहा है. चीनी भी तो वही कर रहा है, नमक भी तो वही कर रहा है, तो ये सब कैसे हुआ? ये तो लिक्विड होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल इतना छोटा है ना, वो एडजस्ट कर ले रहा है अपने आप को इस वजह से. लेकिन अगर आप एकदम छोटे लेवल में अगर आप जाके उस चीनी को देखें, एकदम छोटा लेवल में, वो लेकिन सॉलिड है ना, वो आपस में उसका शेप आप शिफ्ट नहीं करवा सकते. वो तो बहुत सारा जब आ गया तब जाके आपका उस तरह पार्टिकल्स में जा रहा है. तो इस तरह से आप समझिए कि अगर उस जैसे कि लोहे का अगर आप एक क्यूब ले लेते हैं, उसी तरह का अगर आप सॉल्ट का इतना बड़ा क्यूब ले लेते हैं, तो वो फिर आपका सॉलिड की तरह ही बिहेव करेगा. सिंस आपका पार्टिकल छोटा 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 क्यूब है, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो उसका शेप शिफ्ट हो रहा है, इट इज़ टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर. बट ऐसा है नहीं. अगर आप बड़ा उसी चीज़ का अगर आप बड़ा क्यूब ले लेते हैं, तो वही सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, है ना. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. जनरल आइडिया आपको समझ में आ गया है क्या है, ठीक है. सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, गैस का प्रॉपर्टीज़ क्या है. सो दीज आर द फेजेज ऑफ मैटर. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट फेजेज ऑफ मैटर, वील नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज फेजेज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस इन द नेक्स्ट वीडियो, विच इज़ फेज चेंजेस.